माई चैनल जियाज ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी आप देख सकते हो। एडहेसिवनेस 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 इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें स्टिकिंग की प्रॉपर्टी हो, मतलब कि चिपकने की प्रॉपर्टी हो। टू ए रफ सरफेस, रफ सरफेस पर ड्यूरिंग इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स एंडोथीलियम इज डैमेज एंड सब एंडोथीलियल कोलेजन एक्सपोज। एडहेशन जो है, एडहेसिवनेस बहुत सारी एडहेशन जो प्रॉपर्टीज होती है, स्टिकिंग की प्रॉपर्टीज होती है, चिपकने की प्रॉपर्टीज होती है। टू ए रफ सरफेस मतलब रफ सरफेस पर, अब इंजरी मान लीजिए हुई है ब्लड वेसल्स में, तो उस टाइम पर जो एंडोथीलियम होता है वो डैमेज हो जाता है। एंडोथीलियम क्या है? ब्लड वेसल का इंटीरियर सरफेस होता है ये, एंड सब एंडोथीलियम कोलेजन एक्सपोज। सब एंडोथीलियम भी एक लेयर होती है, ठीक है। कोलेजन क्या है? कोलेजन जो है बोथ एडहेशन में और प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन में, दोनों में कोलेजन सपोर्ट करता है। ये कोलेजन ऑफ बोन्स, मसल्स, स्किन वगैरह में पाया जाता है। तो जो जब डैमेज होती है ब्लड वेसल्स में, इंजरी होती है, तो उस टाइम पे एंडोथीलियम जो इसका होता है, जो इंटीरियर सरफेस इसकी होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, वो डैमेज हो जाती है, और जो सब एंडोथीलियम कोलेजन होता है एक्सपोज हो जाता है। सब एंडोथीलियम भी एक लेयर है, उसका जो कोलेजन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। वाइल कमिंग कॉन्टेक्ट विथ कोलेजन, एक्सपोज मतलब बाहर निकल जाना, जब ये कोलेजन जो है, जो एक्सपोज हो गया है, जब ये कोलेजन प्लेटलेट्स के कॉन्टैक्ट में आता है, आर एक्टिवेटेड एक्टिव हो जाता है एंड एडहियर टू कोलेजन, और कोलेजन से चिपक जाता है। तो हमने क्या कहा, कोलेजन का काम क्या है, सपोर्ट कर, क्या काम है, एडहेशन का, एक्टिवेशन का। जब ये प्लेटलेट कोलेजन के कॉन्टैक्ट में आया, कोलेजन एक्सपोज हुआ उससे कॉन्टैक्ट में आया, तो एक्टिवेट हो गया और कोलेजन से चिपक भी गया। एडहेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन बिटवीन वॉन विले ब्रांड फैक्टर सिक्रेटेड बाई डैमेज एंडोथीलियम एंड ए रिसेप्टर प्रोटीन कॉल ग्लाइको प्रोटीन LB सिचुएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पर बताया कि जब ये कोलेजन या फिर प्लेटलेट से कांटेक्ट में आता है तो एक्टिवेटेड, सॉरी जब ये प्लेटलेट कोलेजन कांटेक्ट में आएगा तो एक्टिव हो जाएगा और कोलेजन से चिपक जाएगा। एडहेशन ऑफ प्लेटलेट इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन द वॉन विले ब्रांड फैक्टर, जो एडहेशन हुआ है प्लेटलेट का, उसमें उस एडहेशन में वॉन विले ब्रांड फैक्टर और ग्लाइकोप्रोटीन के बीच में इंट्रैक्शन होता है। तो ये वॉन विले ब्रांड फैक्टर है, ये सिक्रेटेड होता है डैमेज एंडोथीलियम से। जैसे हमने बताया था कि जब ब्लड वेसल में इंजरी है तो इंजरी होगी तो एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज एंडोथीलियम से ये वॉन विले ब्रांड फैक्टर सिक्रेट होता है और एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन LB बोलते हैं, जो कि प्लेटलेट्स के मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, जिससे ये प्लेटलेट्स कोलेजन से एडहेर हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो ये जो वॉन विले ब्रांड फैक्टर है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन है, ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन। इसका काम ही होता है दूसरे प्रोटीन से जाकर बाइंड हो जाना, इसका फंक्शन होता है। तो इसलिए ये दोनों, हमने क्या बताया, इंट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये ग्लाइकोप्रोटीन LB के बीच में प्लेटलेट्स के जो मेम्ब्रेन में सिचुएट होता है, और वॉन विले ब्रांड फैक्टर के बीच में, जो कि डैमेज एंडोथीलियम पर से सिक्रेट होता है, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। अदर्स फैक्टर विच एक्सेलरेट एडहेसिवनेस आर कोलेजन, थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन्स एक्सेट्रा। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कि एडहेसिवनेस को एक्सेलरेट करते हैं, उसमें है कोलेजन, थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन्स एक्सेट्रा। तो इसकी प्रॉपर्टी थी ये एडहेसिवनेस की, मतलब कि चिपकने की। इसके बाद है एग्रीगेशन की प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब कि प्लेटलेट्स का ग्रुपिंग हो जाना, एकत्रित हो जाना। एग्रीगेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स। अब ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स होता कैसा है आप देख सकते हो यहाँ पे। एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ड्यूरिंग एक्टिवेशन
एक्टिवेशन मतलब एडिसिवनेस हुआ, वह एक्टिवेशन हो गया। द प्लेटलेट्स चेंज दियर शेप विथ इलांगेशन ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स स्यूडोपोडिया विच आर प्रोसेस ऑफ फिलोपोडिया। तो जब अभी जैसे कि जब एडिसिवनेस हुआ था, हमने बताया था कि जब कोलाजन से जब कॉन्टैक्ट में आता है प्लेटलेट्स, तो एक वो एक्टिव हो जाता है और चिपक भी जाता है कोलाजन से, तो एक्टिवेशन हो गया। तो ड्यूरिंग एक्टिवेशन द प्लेटलेट्स चेंज दियर शेप। एक्टिवेशन के टाइम पर प्लेटलेट्स अपने चेंज अपने शेप को चेंज कर देते हैं और उनके उनके जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ सूडोपोडिया निकल आता है इस तरीके से, समझ रहे? इस तरीके से सूडोपोडियन की बॉडी में निकल आता है ना, इसी तरीके से निकलता है सूडोपोडिया, जिसको फिलोपोडिया बोलते हैं। फिलोपोडिया हेल्प द प्लेटलेट्स एग्रीगेटेड टुगेदर। एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट इज एक्सेलरेटेड बाय द एडीपी थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्लेटलेट्स एक्टिविटी फैक्टर। तो फिलोपोडिया जो कि बना है एक्टिवेशन के टाइम पर, ये फिलोपोडिया ही प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन के लिए हेल्प करते हैं, मतलब कि ग्रुपिंग के लिए। एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन मतलब कि प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो जाना और प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाना, ग्रुपिंग हो जाना, ये इसको एक्सेलरेट कौन करता है? एडीपी थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं वो इसको एक्सेलरेट करते हैं। इसके अलावा PTA है, या PTA मतलब प्लेटलेट्स एक्टिविटी फैक्टर हमें दिया है। साइटोकाइन है सिक्रेटेड बाय द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ये न्यूट्रोफिल्स से मोनोसाइट्स से मोनोसाइट्स से एक्टिवेट सिक्रेट होते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो है ये WBC में ये पाया जाता है, उसी का ये पार्ट होता है। तो एक्टिवेशन के टाइम पर जो प्लेटलेट्स होते हैं अपने शेप को चेंज कर देते हैं, उनकी बॉडी की चारों तरफ सूडोपोडिया निकल आता है, इसको फिलोपोडिया बोलते हैं। ये फिलोपोडिया ही इनको एग्रीगेशन के लिए हेल्प करते हैं। और एक्टिवेशन और एग्रीगेशन जो प्लेटलेट्स का होता है वो उसको कौन एक्सेलरेट करता है? ADP थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर जो कि साइटोकाइन है। इसके बाद हम देखेंगे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन इज द क्लंपिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब कि प्लेटलेट्स का एक दूसरे से क्लंपिंग हो जाना, चिपक जाना, एक दूसरे से चिपक जाना प्लेटलेट्स का। एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स हैं जो ग्रुपिंग प्लेटलेट्स हैं आर एग्लोगेटिंग मतलब कि चिपक जाते हैं एक दूसरे से बाय द एक्शन ऑफ सम प्लेटलेट एग्लोटिनिन्स एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। जो एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स हैं ग्रुपिंग प्लेटलेट्स हैं उनमें एग्लोगेशन होता है। किससे होता है एग्लोगेशन? कुछ प्लेटलेट एग्लोटिनिन्स से होते हैं और कुछ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होते हैं, उसके जरिए से ये होता है। इसके बाद फंक्शन देखेंगे। नॉर्मली प्लेटलेट्स आर इनएक्टिव एंड एग्जीक्यूट देयर एक्शन ओनली व्हेन एक्टिवेटेड। नॉर्मली प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। एक्टिव कब होते हैं? सॉरी, एंड एग्जीक्यूट देयर एक्शन ओनली व्हेन एक्टिवेटेड, और एक्शन वो तभी करते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट इमीडिएटली रिलीज मेनी सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। तो प्लेटलेट नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं तो वो एक्शन दिखा करते हैं, और एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इमीडिएटली तुरंत ही रिलीज करते हैं कुछ सब्सटेंस को, जिसको हम प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन बोलते हैं। जब ऐसे वो एक्टिवेट होंगे तो कुछ सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। और उसके बाद रोल इन ब्लड कॉटिंग। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टिंग थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर्मेशन के लिए, इंट्रिंसिक थ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो हमने बताया, ये जो एक्टिव हमने जो बताया है इंट्रिंसिक थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर जो है ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, इसका काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में ही क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। रोल इन रिपेयर ऑफ रक्चर ब्लड वेसल। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF फॉर्म इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट यूजफुल फॉर द रिपेयर ऑफ एंडोमेथिलियम एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ रक्चर ब्लड वेसल। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर फॉर्म इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट। जो प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रोथ फैक्टर PDGF फॉर्म्ड होता है, बनता है, जो कि यूजफुल होता है एंडोथीलियम जो ब्लड वेसल की इंट्रिंसिक
ब्लड वेसल के अंदर पाया जाता है, अंदर की जो लेयर होती है उसको रिपेयर करने में ये यूजफुल होता है, एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ रक्चर ब्लड वेसल, और दूसरे भी जो रक्चर ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। रोल इन डिफरेंट मैकेनिज्म बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन, जो एग्लूटिनेशन की प्रॉपर्टी है इसी क्लम्पिंग की, प्लेटलेट्स इन सर्कल द फॉरेन बॉडीज एंड डिस्ट्रॉय देम, जो फॉरेन बॉडीज होती हैं जो बाहर से आई हुई चीज़ें होती हैं जिनको जो माई बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, प्लेटलेट्स से उसको इनसर्कल करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रोल है इसका किसका किस में, रक्चर ब्लड वेसल को रिपेयर करने में, इनके साइटोप्लाज्म ग्रोथ फैक्टर बनता है PDGF जो हेल्प करता है उसके रिपेयरिंग में, और ये एग्लूकेशन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है इसमें क्या करते हैं, फॉरेन बॉडीज़ जो बाहर से बॉडीज फॉरेन बॉडीज़ आती हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं उसको इनसर्कल करके डैमेज करते हैं। इंटेस्टिन प्रोथॉम्बिन प्रोएक्टिवेटर को फॉर्मेशन को बनाते हैं जो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये मेरी वीडियो थी प्लेटलेट्स के फंक्शन पर, प्लेटलेट्स के प्रॉपर्टीज़ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड अपना ख्याल रखिएगा।